डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको मतलब ये जो है ये परमानेंट डैमेज है, इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ेगी। तो इट्स लॉन्ग प्रोसेस। ऑलमोस्ट 4 महीने बाद मैंने मतलब ये आपके पास आया। और लगा नीचे तक झटका, बैक तक। यस सांस लें, इजी। आई ओके? बट उसके 2-3 दिन बाद से ही मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 100% ठीक कोई हूँ। टांग में दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई टांग इसमें में, नहीं है, बिल्कुल भी आराम वो से अच्छे से कोई, काम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ किसी को भी, किसी भी तरह का कोई पेन है, बॉडी पेन है, बैक पेन है, शोल्डर में पेन है, कहीं पे भी, तो आप प्लीज़ डॉक्टर हरीश ग्रोवर से एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। मतलब हाय व्यूवर, मेरा नाम डॉक्टर हरीश ग्रोवर है और मैं पोस्टर्न स्पाइन अलाइनमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे साथ में मनोज कुमार जी हैं, उनका L4, L5 और L5S1 का डिस्क बल्ज था। इनसे बात करते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ उनका, फिर एक आपको अलाइनमेंट का सेशन भी हम करके दिखाएंगे। राइट रहा आपका, कैसी रही जर्नी और कितना बैक पेन अभी ठीक हो चुका है आपका? सर, ऑलमोस्ट 100% ठीक है अभी, मुझे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं है। एक्चुअली पहले मैं 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़ा हो पाता था, अब काफ़ी बेटर है। मतलब दोनों लेग्स में पेन स्प्रेड हो जाता था अगर 2 मिनट भी खड़ा हो रहा हूँ तो। मैंने काफ़ी मतलब ऑर्थोपेडिक को भी दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ भी खाई, लेकिन उनसे सिर्फ क्या होता था कि 3-4 घंटे मतलब दर्द कम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जा रहा है, 100% कम हो रहा है जस्ट, और 4 घंटे बाद फिर से लौट के आ रहा है। तो 2-3 सेशन किया, मतलब कोर्स किया मैंने दवाई का, 10-10 15-15 दिन का, बट कोई आराम नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 4 महीने बाद मैंने मतलब ये आपके पास आया। और अब मतलब कितना से, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा आपके पास आते हुए, और हाँ काफ़ी जी, हाँ जी, बेटर हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत जी। ज़्यादा बेटर है। 9 बार को किया था हमने और लास्ट आपका सेशन रहा था 8 जनवरी को हाँ आई 1 जनवरी थिंक, को लास्ट, राइट? मतलब आज एक रिव्यू करके बुलाया है ये तो हमने, हाँ तो राइट, आपको लास्ट को तो मतलब 20 तारीख को था लास्ट सेशन था। 20 तारीख, ठीक राइट राइट। है, राइट। उसमें मतलब मुझे लास्ट सेशन में ऐसा लग रहा था कि 95% ठीक हूँ, बट उसके 2-3 दिन बाद से ही मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 100% ठीक कोई हूँ, टांग में दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई टांग इसमें में, नहीं है, बिल्कुल भी आराम वो से अच्छे कोई, से काम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से ऑलराइट एकदम। सर, इनका एक अलाइनमेंट हम करके आपको बताते हैं कि इस तरीके के हम लोग पोस्चर को, स्पाइन को ठीक कर सकते हैं। राइट सर, ले जाएं। चूँकि आप देख रहे हैं लेग लेंथ बराबर हो चुकी है, लेग लेंथ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी को किसी शियाटिका है तो वो लेग क्या हो, छोटा हो जाएगा उस तरफ का, क्योंकि बॉडी उस पर वेट नहीं डालेगी तो वो शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। अभी इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहले दिन कम से कम भी 1 इंच का शॉर्टनिंग था इनका, क्योंकि पूरा टिल्ट हो चुका था पोस्चर। अभी स्पाज़म नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है मसल, क्योंकि बिल्कुल हार्ड बैंड बन गए थे इनको यहाँ पे। अब पहले तो, अब तो बिल्कुल स्मूथ है, काफ़ी सॉफ्ट है। यूज़ करें प्लीज, जस्ट सांस लें आप, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें। इजी, नीचे पूरा चेस्ट नीचे टिकाए, सांस लें, इजी। आई ओके? सांस लें सर, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, एक और लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें। वेरी गुड, आखिरी बार छोड़ें।
वन मोर। सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे। यस, आपका पी आई इलियम था एक्चुअली, तो हम लोग अब इलियम को एडजस्ट करेंगे। पी का मतलब पोस्टीरियो इन्फीरियर, छोड़ें जरा नीचे की तरफ, वेरी गुड। गर्दन उठा लें ऊपर, छोड़ देंगे नीचे। स्पाइन को थोड़ा पुल करेंगे ताकि पूरा स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाए आपका। लगा नीचे तक झटका, बैक तक, पीछे तक आया ना, रिलैक्स कर लें, लूज। एक और, यस। इसको यहाँ रखते हैं। करते हैं इसको, इसको लूज करें, लूज लूज। यस, बैठ जाइए, हैंग यू लाइक दिस साइड। स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है ये आपके शोल्डर मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। यस, देखिए चल के कैसा है मनोज जी, कोई इश्यू है जो बचा हुआ है? चल के देखिए, झुक के देखिए, किसी तरीके का कोई अभी पूरा स्ट्रांग महसूस करते हैं बैकअप का? कोई स्पैज़म नहीं है, कुछ भी नहीं है? तो नहीं सर। इज देयर एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू विद, कोई कोई इशू कोई टांग में, कोई लेग्स में, कहीं शोल्डर में? नहीं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्टिविटी है, बिल्कुल 100% प्रोडक्टिविटी है। आप मेरा रेफरेंस देंगे अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दिया भी है बहुत बार, और मतलब मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ किसी को भी, किसी भी तरह का कोई पेन है, बॉडी पेन है, बैक पेन है, शोल्डर में पेन है, कहीं पर भी, तो आप प्लीज़ डॉक्टर हरीश ग्रोवर से एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, मतलब कंसल्टेशन ही लें, चाहे आपको बहुत बेटर लगेगा, मतलब काफ़ी एक दो सेशन में ही आपको पता चलेगा कि काफ़ी आराम है, मतलब आपको दवा, मुझे दवाइयों से 0% आराम था एक्चुअली, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको मतलब ये जो है ये परमानेंट डैमेज है, इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ेगी, तो इट्स लॉन्ग प्रोसेस, बट वो उतना लॉन्ग मुझे नहीं लगा हरीश गोर के पास आके। ऑलराइट गाइस, इन योर फैमिली मेम्बर और एनी काइंड ऑफ योर एनी ऑफ योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम सेम प्रॉब्लम लाइक सियाटिका, डिस्क हर्निएशन, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी साइन, एनी फ्रोजन शोल्डर, सो वी कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शंस। हम लोग बहुत ही कम सेशन में बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, हमने हज़ारों लोगों की हेल्प करी है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे इंटरनेट पर, आप जाके देखें, आपको काफ़ी उसमें आइडिया लग जाएगा हम किस तरीके का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।